हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई मीन, जब मेरा ये वीडियो जाएगा तो छोटी होली होगी, सो हैप्पी छोटी होली टू ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आपकी जिंदगी रंगों से भरी रहे, आपकी जिंदगी में किसी भी रंग की कोई कमी ना हो, भरपूर खुशियां रहे, सभी रंग आप लोगों के जीवन में खूब खुशियां भर कर लेकर आए। और ये जो होली है, इसकी आगे के जो भी आने वाले दिन है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर के रखें। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और हमारी होली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी किचन से ही होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी किचन साफ है तो फिर हमारी सेहत साफ रहती है, अच्छी रहती है, स्वस्थ हम रहते हैं। और अगर किचन साफ नहीं है तो फिर घर में कितनी भी सफाई कर लो, अगर किचन ही साफ नहीं है तो फिर लक्ष्मी माता कहाँ से घर में आएंगी। सो इसीलिए जरूरी होता है कि हम पहले किचन को और अपने घर को भी साफ रखें। बट सबसे पहले, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है, किचन को साफ रखना। और मेरा ना ऐसे रहता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही किचन, अब जब मैं स्कूल जाती तो हर दिन, तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे टाइम नहीं मिल सकता कि मैं एक हफ्ते में क्लीन करूं। बट हमारी किचन में इतना ज्यादा कुछ सामान भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गंदी हो। सो 1-1.5-2 महीने में अगर मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो भी चल जाता है। और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। अब अभी आप देख सकते हो किचन में काफी ज्यादा स्पेस है और सामान इतना ज्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो। और ये क्या रहता है ना कि रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे हमारी एक पूरी दीवार में, जो ना विंडो काफी बड़ी है तो उसका रिफ्लेक्शन रहता है। सो इसीलिए हल्का हल्का अंधेरा रहता है, चाहे कितनी भी लाइटें जला लो। मैंने 2 बल्ब जलाए हुए हैं बट आप देख सकते हो इतनी ज्यादा रोशनी नहीं आ रही। जब तेज धूप होती है तो इस टाइप पे रोशनी आती है, अदरवाइज फिर आप देख सकते हो इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और एक्चुअली आप लोग को भी देखते होगे ना कैसे किचन, फ्रिज में बर्फ जम जाती है, तो उसके लिए ना मैं डिफ्रोज करती रहती। बट अभी मैं थोड़े दिनों से थोड़ा सा ध्यान से मेरे हट रहा था, तो इसमें इसीलिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्फ जम चुकी है। और बस मेरे को याद नहीं रहा, वरना मैं रात को ही कर देती ना डिफ्रोज, तो सही रहता। सो कोई नहीं, चलिए और फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि डिब्बे किचन में जैसे खाना वगैरह बनता है तो हमारे किचन में एग्जॉस्ट तो लगा हुआ है, बट गांव है तो उस टाइप का वो नहीं रहता। वहां पे होता ना चिमनी टाइप की लगाई जाती है, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। सो डिब्बे ना गंदे हो गए हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी थोड़ी चिपचिप होने लगी है और इस टाइप से काफी कंटेनर्स गंदे हो रखे थे। सो मैंने सभी को नीचे उतार लिया है। और मैं क्या करती हूँ ना, एक बार अच्छे से सब सर्फ से ही सब कुछ क्लीन करती हूँ, तभी मुझे अच्छे से लगता है। ऐसा नहीं है कि बस गीले कपड़े से पोंछ दो तो ना फिर मेरे को मजा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, सभी डिब्बे में बहुत अच्छे से, हमेशा से आदत है, क्योंकि ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी भी मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, बहुत अच्छे से सारे डिब्बों को क्लीन किया करती थी। और क्योंकि वहां पे तो स्टील के डिब्बे होते थे, सो हाथ वाथ लगे तो इसमें दाग बन जाता था, ये सब ऐसे करके। सो मम्मी मेरी 1 हफ्ते में ही करती थी, बट मेरे को तब मैं स्कूल जाती इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। तो 1-1.5 महीने में जब मुझे टाइम मिल पाता है या कोई त्यौहार है तो ऐसे करके मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और डिब्बों को सरफ से ही मैं जरूर मांजती हूँ, तो भी ताकि उनमें जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब भी हट जाएं। और बाकी अगर जैसे गंदगी या चिपचिप ये सब रहता है तो थोड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहें, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। Thank you.
और बस फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने इसको भी जो ये पॉलिथीन मैंने बिछा के रखी हुई ना, मतलब प्लास्टिक की है ना, काफ़ी अच्छी रहती है। इसको क्या होता है आप सर्फ से क्लीन कर दीजिए, बहुत अच्छे से मांज दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको पानी से अच्छे से धो के, और अगर आप चाहें तो इसको उतार के भी कर सकते हैं, बट मैंने ना सेलो टेप लगाया हुआ है तो बार बार फिर पूरी दीवार खराब हो जाती है, इसलिए मैं इसको ऐसे बिछे बिछे ही क्लीन कर देती हूँ और बहुत अच्छे साफ भी हो जाती है। सो ऐसी पन्नियाँ अगर आप लगाएं तो सही रहता है। कई कई लोग ऐसे होते ना पेपर वगैरह भी लगा लेते हैं तो वो भी ठीक रहता है, बट इसमें शाइन रहती है, अलग ही रहता है। अगर हम इसको क्लीन कर देते तो साफ भी हो जाता है और बाकी और ज़्यादा हेडेक भी इसमें रहती नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से इसको करती हूँ। बस अभी आप देख सकते हो मेरे डिब्बे अच्छे से बच चुके हैं और बस अब मैं इनको बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं किचन में ना, ऐसे जो लास्ट का वो रहता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप पूरी मेहनत के बाद जब इसमें ये सजे हुए रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छे जाएगा इसमें कलर। ये डबल आ है, पिचकारी भी है और प्लस वो भी है इसमें दोनों। हाँ लल्ला क्या आया है तुम्हारे लिए दिखाओ। वाओ पिचकारी आ गई, वाओ। तो फ्रेंड्स आशा करते हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, सो अपने ब्लॉग का एंड में करूंगी कान्हा जी के दर्शन के साथ ताकि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बनी रहें। सो जब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।